तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। और आज की सबसे बड़ी खबर, शायद दुनिया की सबसे बड़ी खबर, कि वर्ल्ड कप शेड्यूल अनाउंस हो चुका है। ड्राफ्ट शेड्यूल पहले ही आ चुका था, इट वॉज जस्ट अ फॉर्मेलिटी टू डिक्लेयर द शेड्यूल बाय ICC। तो शेड्यूल की सारी डिटेल्स हम आपको क्रिकेट ट्रोल्स पे दे रहे हैं, तो देखते हैं कि शेड्यूल क्या है। तो 5 अक्टूबर 2023 को पहला मुकाबला इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड खेला जाएगा अहमदाबाद में। खबरें ये भी आ रही हैं कि एक बार फिर अरिजीत सिंह करेंगे ओपनिंग सेरेमनी इन नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद, विच वॉज ऑल्सो डन बाय इन IPL एज वेल। 6 अक्टूबर पाकिस्तान वर्सेस क्वालिफायर 1, बांग्लादेश वर्सेस अफगानिस्तान 7 अक्टूबर खेला जाएगा धर्मशाला में। 7 अक्टूबर को दो मुकाबले हैं, दूसरा मुकाबला साउथ अफ्रीका वर्सेस क्वालिफायर 2 जो खेला जाएगा दिल्ली में अरुण जेटली स्टेडियम, विच वॉज फॉर्मली नोन एज फिरोज शाह कोतला। 8 अक्टूबर संडे इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया जो पहला मैच भारत का खेला जाएगा 2 बजे चेन्नई में चेपॉक स्टेडियम। अक्टूबर 9 न्यूजीलैंड वर्सेस क्वालिफायर 1 मैच नंबर 6 which was will be played at Hyderabad, and October 10 now we'll move on to England versus Bangladesh match number 7 khela jayega Dharamshala mein. 11 October India versus Afghanistan India ka dusra match Delhi mein khela jayega. 12 October gurwar ko Pakistan versus qualifier 2 जो दो टीमें हो, ये क्वालिफायर 1 और 2 ये वो टीमें हैं जो अभी क्वालिफायर्स खेल रही हैं, जो अभी जिम्बाब्वे में जो चल रहे हैं आप देख सकते हैं स्टार स्पोर्ट्स 1 पे और स्टार स्पोर्ट्स 2 पे। और उसके बाद 13 अक्टूबर ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका लखनऊ में मुकाबला, बड़ा मुकाबला ये ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका का, 2 बजे शुरू होगा, 10वां मैच होगा ये अक्टूबर 13 को। 14 अक्टूबर सैटरडे न्यूजीलैंड वर्सेस बांग्लादेश एट 10:30 IST, विच मीन्स कि ये डे गेम है। 14 अक्टूबर इंग्लैंड वर्सेस अफगानिस्तान 2 बजे खेला जाएगा ये मुकाबला और दिल्ली में खेला जाएगा। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान द बिग ब्लॉकबस्टर मुकाबला, तीसरा मैच भारत का और इस दुनिया का सबसे बड़ा मैच इंडिया वर्सेस पाकिस्तान जब क्रिकेट की बात आती है, तब नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद, इसके अलावा कोई वेन्यू नहीं हो सकता था जिसपे ये मैच खेला जा सके। 2 बजे खेला जाएगा मुकाबला। 14वां मैच 16 अक्टूबर ऑस्ट्रेलिया वर्सेस क्वालिफायर 2 लखनऊ में खेला जाएगा कान्हा स्टेडियम में। 17 अक्टूबर साउथ अफ्रीका वर्सेस क्वालिफायर 1 धर्मशाला में खेला जाएगा। न्यूजीलैंड वर्सेस अफगानिस्तान अक्टूबर 18 को खेला जाएगा। अक्टूबर 19 इंडिया वर्सेस बांग्लादेश खेला जाएगा पुणे में। पुणे ये वेन्यू थोड़ा इस पर थोड़ा डाउट है अभी, क्योंकि ये कंफर्म है या नहीं इस पे थोड़ा डाउट है अभी। अक्टूबर 20 एक और बड़ा मुकाबला ऑस्ट्रेलिया वर्सेस पाकिस्तान जो खेला जाएगा बेंगलुरु में चिन्नास्वामी में। अक्टूबर 21 क्वालिफायर 1 वर्सेस क्वालिफायर 2, दिस विल बी प्लेड एट अटल बिहारी वाजपेयी कान्हा क्रिकेट स्टेडियम लखनऊ में अक्टूबर 21, ये भी तगड़ा मैच होगा भाई साहब। बात आती है अक्टूबर 21 की, जहां इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका भिड़ेंगे वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में 2 बजे। अक्टूबर 22 इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड भिड़ेंगे हिमाचल प्रदेश क्रिकेट स्टेडियम में धर्मशाला में 2 बजे एक बार फिर। और पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान ये जो चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जाएगा चेन्नई में, ये भी बड़ा मुकाबला है। आपको याद होगा पिछले साल एशिया कप में बहुत ही अफरा तफरी हुई थी बॉस। उसके बाद 24 अक्टूबर साउथ अफ्रीका वर्सेस बांग्लादेश वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में मुकाबला होगा ये। ऑस्ट्रेलिया वर्सेस क्वालिफायर 1 अक्टूबर 25 अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली में खेला जाएगा मुकाबला। अक्टूबर 26 मैच 25 चिन्नास्वामी स्टेडियम में इंग्लैंड वर्सेस क्वालिफायर 2 बेंगलुरु में। अक्टूबर 27 पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका मैच नंबर 26 MH चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई। देन वी विल मूव ऑन टू ऑस्ट्रेलिया वर्सेस न्यूजीलैंड ऑन अक्टूबर 28 एट धर्मशाला। October 28 it is a double header which is will be qualifier 1 versus Bangladesh at Eden Gardens Kolkata which will gonna start from 2 PM IST. October 29 सबसे बड़ा मुकाबला यूपी वालों के लिए, क्योंकि ये है इंडिया वर्सेस इंग्लैंड। October 29 लखनऊ में होगा बड़ा मुकाबला। October 30 अफगानिस्तान वर्सेस क्वालिफायर 2 ये खेला जाएगा पुणे में 2 बजे। अक्टूबर 31 को खेला जाएगा पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश इडन गार्डन्स कोलकाता 14 OIST, विच मीन्स 2 बजे भारतीय समय अनुसार। 1 नवंबर न्यूजीलैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका विच विल बी प्लेड एट पुणे
फ्रॉम 2 PM IST। इंडिया वर्सेस क्वालिफायर टू मैच 33 एट वानखेड़े स्टेडियम मुंबई। क्वालिफायर 1 नवंबर 3 वर्सेस अफगानिस्तान मुकाबला होगा, जो दो क्वालिफाइड टीम आएंगी उसमें क्वालिफायर 1 जो होगी। न्यूजीलैंड वर्सेस पाकिस्तान नवंबर 4, मैच नंबर 35, 10:30 बजे शुरुआत। ये बहुत बड़ा मुकाबला। इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया द एशेज, द मिनी एशेज, जो भी बोल लीजिए इसे, 2 बजे IST, मैच 36 अहमदाबाद में। नवंबर 5 इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका, ये भी बड़ा बड़ा मुकाबला। हिडन गार्डन्स कोलकाता में मिलेंगे हम आपको 2 बजे लाइव। नवंबर 6 बांग्लादेश वर्सेस क्वालिफायर 2 विच विल गोना बी प्लेड एट दिल्ली एट 2 PM IST। ऑस्ट्रेलिया वर्सेस अफगानिस्तान मैच 39 वानखेड़े स्टेडियम मुंबई 2 बजे। इंग्लैंड वर्सेस क्वालिफायर 1 मैच 40 विच विल बी प्लेड एट पुणे। न्यूजीलैंड वर्सेस क्वालिफायर 2 नवंबर 9 प्लेड एट बेंगलुरु। साउथ अफ्रीका वर्सेस अफगानिस्तान नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद खेला जाएगा 2 बजे। नवंबर 11 इंडिया वर्सेस क्वालिफायर 1 खेला जाएगा बेंगलुरु में 2 बजे। ऑस्ट्रेलिया वर्सेस बांग्लादेश खेला जाएगा पुणे में 10:30 बजे। और नवंबर 12 को इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान, ये बहुत बड़ा मुकाबला होगा जो खेला जाएगा कोलकाता में। ये आखिरी लीग मैच होगा, उसके बाद हम बढ़ेंगे 2 सेमीफाइनल के लिए। पहला सेमीफाइनल 15 नवंबर वेडनेसडे को खेला जाएगा मुंबई में, और दूसरा सेमीफाइनल खेला जाएगा ईडन गार्डन्स कोलकाता में 2 बजे। और तीसरा, बाकी जो इन दोनों में से जो जीतेगा वो फाइनल खेलेगा नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 19 नवंबर संडे 2 बजे, वर्ल्ड कप फाइनल। कैन यू बिलीव दैट। तो ये रहा पूरा शेड्यूल। इसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, बहुत इम्पोर्टेंट बात ये है कि अगर इंडिया और पाकिस्तान सेमीफाइनल या सेमीफाइनल में अगर जो पहुंचते हैं, अगर इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला होता है तो वो खेला जाएगा कोलकाता में, अगर इंडिया का किसी और से मुकाबला होता है तो वो खेला जाएगा मुंबई में। ये जो है वो बड़ी खबर है, क्योंकि पाकिस्तान ने ये अर्ज किया था कि उन्हें जो है मुंबई में नहीं खेलना है, उन्हें साउथ इंडिया में खेलना है, बिकॉज दे फॉर देयर सिक्योरिटी रीजंस। तो ये था शेड्यूल, और जैसे जैसे नई नई खबरें आती रहेंगी आपको बताते रहेंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन, शेयर द वीडियो।